ये देख सकते हो गाइस। तो इस साल जो दाना पड़ा हुआ है भुट्टे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग ब्लॉगर। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और डेली लाइफ स्टाइल एंड विलेज माय लाइफ एंड माय होम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश होगी गांव के हिसाब से गाइस। तो आज हैं हम घर पर, तो अभी हैं हम अपने गांव की सड़क पर, ये देख सकते हो आप। तो आज निकले थे हम अपने गांव का दौरा करने के लिए। बहुत टाइम से मैं गांव में घूमा नहीं हूँ। यहाँ पर भी पीछे हमारा एक मतलब मेन गांव है, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर 30 से 40 घर की बस्ती है। और मैं जहाँ पर गया था, ये भी हमारे गाँव से ही लग के एक और गाँव है, वहाँ पर भी 60-70 घर की बस्ती है। तो आज हम सड़क पर घूम रहे थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख सकते हो मेरे पीछे सड़क पर। तो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, यहाँ पर लगी थी उड़द की फसल, तो वो कट गई है खेत से और खेत में पड़ी हुई है। और इस तरफ मेरे मक्के की फसल लगी हुई है, ये देख सकते हो। तो आज घर पर था 2-3 दिन से भाई, घर पर ही हूँ, कोई ब्लॉग शूट करने नहीं जा रहा हूँ। तबीयत से थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, तो घर पर सोचा रेस्ट कर लिया जाए। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं मक्के की जो फसल है, भुट्टे कैसे हुए हैं हमारे गांव में अभी। तो भाई चारों तरफ भुट्टे की फसल है, और यहाँ पर देख सकते हो एक शख्स बैठे हुए हैं जो कि मजदूरी करने शहर जाते हैं। भाई आज उनकी तबीयत थोड़ी सी राइट नहीं लग रही है, तो हम इनको सलाह दे रहे थे कि भाई पैरासीटामोल की गोली खा ली जाए। ले आओ। नहीं लेकर आया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इंतजार तो यहाँ देख सकते हो गाइस, ये भी उड़द की फसल लगी हुई है। उड़द जो बोलते हैं भाई, आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट जरूर करना। तो चलिए दिखाते हैं आपको मक्का, और इस तरफ देख सकते हो ये लगी है अरहर की फसल। तो भाई अलग अलग किस्म की फसल लगी हुई है। तो भाई साहब इनने तो भाग लिया, तो हम अकेले जा रहे हैं अंदर। देख सकते हो गायों की वजह से यहाँ पर लगाया गया है ये कांटों से चरेटा। तो यहाँ से होते हैं हम अंदर एंटर। तो ये गायों के लिए, ये देख सकते हो यहाँ पर तार बाउंड्री लगाई गई है। तो अभी आ चुके हैं हम खेत में। तो अभी आपने जो भैंस वगैरह लेके जा रहे थे, तो आपने उनको देखा, ये उन्हीं का खेत है। हमारे पटेल साहब हैं, ये उन्हीं का खेत है। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरी उड़द की फसल लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे ग्राम पटेल हैं, जो उन पटेल हैं, जो उनका खेत है। और ये लगी हुई है मक्के की फसल, और यहाँ देख सकते हो आप। तो दिखाते हैं आपको उड़द, ये देख सकते हो भाई इस साल कैसा हुआ है उड़द। तो ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, ये रहा भाई उड़द। तो बहुत ही बढ़िया हुई है, थोड़ा सा पिचका हुआ जो बीज है भाई, जो हुआ है जो फल्ली में होता है उसकी फल्ली है, तो बहुत ही पिचका हुआ ये बीज है। तो ये बहुत ज़्यादा में ये फसल है भाई, वहाँ तक देख सकते हो तकरीबन 3 से 4 एकड़ में ये फसल फैली हुई है।
तो गाइस अभी दिखाया मैंने आपको उड़द की फसल, और अब दिखाते हैं आपको मक्का यानी भुट्टा। तो यहाँ पर लगा हुआ ये पूरा, वहाँ से यहाँ तक देख सकते हो आप, ये पूरा मक्का लगा हुआ है। तो अब दिखाते हैं एक भुट्टा तोड़कर उसमें किस तरह का बीज अभी आया हुआ है। तो फिर से हमको यहाँ पर ये तार बाउंड्री लगाई गई है जो गायों के लिए, गाय ढोर यहाँ पर आवारा पशु जो घूमते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है कि खेत के अंदर वो एंटर ना हो सके। तो हम हो रहे हैं भाई खेत के अंदर एंटर, और दिखाते हैं अंदर जाकर, हम बीच में जाकर दिखाएंगे आपको भुट्टा किस तरह की फसल हुई है इस साल भुट्टे की। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे से चलेंगे हम। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम भुट्टे, यहाँ पर मक्की फसल लगी हुई है तो देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पिताजी भी हैं, तो उनसे भुट्टा हम तोड़कर आपको दिखाते हैं तो किस तरीके किस तरह साल भुट्टा हुए हैं। तो ये भाई बीज कौन सा है तो इसकी जानकारी हमको है नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये लगा हुआ है भाई भुट्टा, तो एक भुट्टा हम तोड़कर उसको छीलकर आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो हमने तोड़ लिया, ये देख सकते हो आप, एक भुट्टा हम तोड़ कर लेकर आए हैं। तो इसको हम यहीं पर आपको छील कर दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो आप गाइस कितना प्यारा इस साल जो दाना पड़ा हुआ है भुट्टे में। तो ये देसी बीज है, ये कौन सा बीज है पापा? विश्वास। विश्वास मींस अब सम विश्वास कौन सा बीज होता भाई, जो लोग किसानी करते हैं उनको पता होगा भाई ये विश्वास करके कोई बीज है। तो बहुत ही अच्छी हुई है इस साल की फसल मक्के की, तो ये आप बीज से ही अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए चलते हैं इसको लेकर। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम घर। तो गाइस आज आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कैसे इतना खेतीबाड़ी में इंटरेस्ट दिखा रहा है भाई, ये ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते बनाते जो अलग ब्लॉग्स इस टाइप का अपलोड करने लगा। तो भाई ये मेरा ब्लॉग एक भाई के लिए बहुत ही स्पेशल, एक पर्सन है भाई जो यूट्यूब पे हमारे मित्र हैं, वो भाई खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो शूट करते हैं। उनका नाम भाई रूपेंद्र यादव है, रूपेंद्र यादव करके उनका यूट्यूब पे चैनल है। तो भाई ने मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, उन्होंने बोला था कि आप भी ट्राई करिएगा, ये फार्म से रिलेटेड वीडियोस शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है, हाँ समझ में आ गया भाई इतना आसान भी नहीं होता। तो हमने भुट्टे तोड़ लिया है भाई, आपको मक्के की फसल दिखाई मैंने पीछे ये देख सकते हो। तो अभी चल रहे हैं घर, इसको भून कर खाएंगे। तो उड़द और मक्के की फसल और अरहर की फसल लगी हुई है हर खेत में भाई, मक्का थोड़े टाइम बाद कटने ही वाला है। तो चलिए चलते हैं घर। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी ब्लॉग भाई? ये ब्लॉग मेरा मकसद था कि आपको हमारे गाँव के आसपास जो खेत हैं उनको दिखाया जाए, उनमें क्या फसल लगी हुई है और क्या चल रहा है इस समय। तो चलिए चलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बने रहिए।